तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट वन इज टू वन का होता है यहाँ से लेंगे तो 202 का स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर ढाई सौ का टारगेट रहेगा तो मेरे हिसाब से अगर कोई थोड़ा बहुत डिप आता है तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर रहेगा बाय करने के लिए बट व्यू पॉजिटिव है जिनके पास ऑलरेडी है वो ढाई तक रुक सकते हैं ठीक है तो ढाई तक आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को आम... आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी है खास करके मिड कैप आई टी स्टॉक्स देखिए वहां पर भी मोमेंटम अच्छा बन रहा है परसिस्टेंट सिस्टम छह परसेंट ऊपर है एम्फेसिस में अच्छी तेजी आई है कोफोज में भी बाइंग नजर आ रही है बिरला सॉफ्ट तीन परसेंट ऊपर है संतोष जी मिड कैप आई टी स्टॉक्स में कहीं मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए यस मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है परसिस्टेंट लग रहा है हालांकि आज ऑलरेडी काफी चल रखना है, तो रख सकते हैं स्टॉक काफी अच्छी जगह से पलटा है दो सौ फॉर्मेशन बना रहा है, 3900 के आ सकता है लेकिन कोई पुल एक चार हजार चार सौ तक की देखने को मिल सकती, आने वाले दिनों में जरिया आईटी स्टॉक्स पर संतोष जी की तरफ से आता मैं आपके पास आना चाहता हूं जरा फटाफट से बताइए इन फार्मा स्टॉक्स में से कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको Uh, जी मेरा ध्यान पे रहेगा uh, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे लूपिन का है तो लुपिन ने जो तेजी दिखाई थी पिछले हफ्ते uh, है तो, तो uh, ग्लेनमार्क ऑलरेडी चल चुका है तो यहाँ से अगर ऊंचा लानी है तो लुपिन में होनी चाहिए तो लुपिन अभी भी अच्छा लग रहा है बाइंग के मौके दिखाई दे रहे हैं फार्मा स्पेस में यहां नजर रखिए आप